मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम स्पेशल टाइप के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 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 अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके के फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? तो इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए आप ऐसा सोचिए कि आप मान लीजिए कि आपने ये लिखा और किसी ने यहाँ तक मिटा दिया, मान लीजिए यहाँ तक अगर उसमें किसी ने मिटा दिया, अगर यहाँ तक मिटा दिया तो आप क्या करते हो, आप क्या कर देते हो, इसको y लिख देते हो। तो इसको y लिख दिया, इसका मतलब क्यों इसको y लिख दिया? क्योंकि इन्फाइनाइट में से कम भी हो गया तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है कि इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको इसको, इसमें अगर आपको दिया है y इज इक्वल टू दिस मच और फाइंड करना है आपको dy बाय dx, dy बाय dx निकालना है, तो आप ऐसे करें इसको y और यहाँ से आप इसको, क्योंकि यहाँ से इसका पुनर्जन्म हुआ, पुनर्जन्म वापस से वही चालू हो गया जो ये था, तो ये हो जाएगा आपका x टू द पावर y। तो ये हो गया y इज इक्वल टू x टू द पावर y। अब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालें, उसके पहले आप एक बार इसका लॉग ले लें, तो हो जाएगा आपका लॉग ऑफ x टू द पावर y, लॉग ऑफ y, y log x। फिर आप डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x, क्योंकि dy by dx निकालना है ना, तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। log y का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन y, dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो y का हो जाएगा dy by dx log x कांस्टेंट प्लस वाई कॉन्स्टेंट लॉग एक्स का वन बाय एक्स। अब डीवाई बाई डी एक्स ये है, डीवाई बाई डी एक्स ये है, दोनों को एक तरफ ट्रांसफर कर दें तो आपके पास आ जाएगा अब डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है, तो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसको वाई बाय एक्स होल अपॉन वन बाय वाई माइनस लॉग एक्स, और आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा वाई बाय एक्स, यहाँ हो जाएगा वन माइनस वाई लॉग एक्स होल अपॉन वाई। तो ये वाई से वाई कैंसिल नहीं होगा, बल्कि ऊपर जाके वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर बनेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वन माइनस वाई लॉग एक्स, y log x, ये आपका इसका dy by dx आया। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन में और ले लेता हूँ आपके लिए। मान लीजिए लिखा हुआ है आपके पास y is equal to sin x whole to the power sin x whole to the power sin x up to infinity, तो ये क्या हो जाएगा y is equal to sin x होल टू द पावर वाई, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, बस डायरेक्ट लिख दो आप, और टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स, लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ वाई वाई लॉग साइन एक्स लॉग। अब डिफरेंशिएट कर दें, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो बिल्कुल पिछले के जैसा होगा, वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डी वाई बाई डी एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स कॉन्स्टेंट प्लस वाई कॉन्स्टेंट लॉग साइन एक्स का वन बाय साइन एक्स का कॉस एक्स। तो ये कॉस बाय साइन को मैं फिर बाद में कॉट एक्स लिख दूंगा, ये dy by dx और ये dy by dx दोनों एक साइड लाके कॉमन ले लेंगे, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो देखा आपने कितना आसान है डिफरेंशिएशन निकालना, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़्यादा चिंता की और कोई ख़ास बात है ही नहीं, आप बस dy by dx अब एक तरफ ले लें और डिफरेंशिएशन dy by dx का वैल्यू निकाल लें, तो 1 बाय वाई माइनस log sin x, टाइम बचाते हुए क्या लिख दीजिए इसको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, उधर आपके पास बच गया वाई कॉस एक्स बाय साइन एक्स
तो वो जाएगा आपका वाई कॉर्टेक्स। ये यहाँ पे चाहें तो यहाँ एलसीएम ले लें, 1 - y log sin x / y dy/dx = y cortex, ये आ गया dy/dx का वैल्यू। ठीक है, क्या वैल्यू है इसका, तो dy/dx का वैल्यू है, y को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा y² cortex / 1 - y log sin x। ये हो गया आपका इसका आंसर। मैं आपको इसके जैसे दो क्वेश्चन दे देता हूँ और बता देता हूँ कि आपको क्या लाना है, आपको क्या प्रूव करना है, तो आप बहुत आसानी से उसको प्रूव कर लेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, फिर आप अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, y = बिल्कुल आसान वाले दे रहा हूँ मैं, आप चिंता बिल्कुल करना ही नहीं। x² to the power x² to the power x² up to infinity, और आपको dy/dx प्रूव करना है। आपका dy/dx आएगा y² log of y² और ये आ जाएगा आपका 2x, तो 2x 1 - 2y log x ऐसा आ जाएगा आपके पास। तो आप ये प्रूव करना और फिर मुझे बता देना कि आपका क्या आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि गलत आ रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन और ले लीजिए आप, जिसमें आपको कॉस की जगह कॉस ही लिख लेते हैं, cos x to the power infinity, और dy/dx आपको प्रूव करने का होगा, dy/dx होगा आपका y² tan x / y log cos x - 1। तो ये आप दो क्वेश्चंस जब प्रूव करोगे तो आपको और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको क्या करना है। तो इसी के साथ आपको इस तरह के क्वेश्चन करने की जो ट्रिक है वो समझ में आई, और हम आगे देखें कि और इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन है वो कैसे करना है जहाँ इन्फिनिटी का कंसेप्ट लगता हो। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अगर ऐसा लिखा हो y = लिखा है आपके पास tan x + √tan x + मैं टाइम देख रहा था कि टाइम कितना हुआ, तो मैंने देखा कि टाइम तो 10 मिनट भी नहीं हुआ, tan x up to infinity। तो ये भी उसी तरह से है y = अच्छा प्रूव क्या करना होगा, इसमें प्रूव दैट भी दिया रहता है, तो प्रूव दैट दिया रहे तो घबराने की बात नहीं है। मान लो दिया है y = this much और प्रूव करना है आपको sec² x / 2y - 1। तो ये बिल्कुल आसान है, इसका प्रूफ चालू करते हैं। y = लिख देंगे √tan x + y, यहाँ से इसका पुनर्जन्म हो रहा है ना, यहाँ से वो वापस जा रहा है, तो ये हो जाएगा फिर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा y² = tan x + y। अब आप डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2y dy/dx sec² x + y dy/dx। अब dy/dx ये और ये dy/dx एक तरफ ले लें और मैं कहता हूँ कि आप कॉमन भी ले लें, तो 2y - 1 dy/dx कॉमन भी ले लिया, और इधर राइट साइड में कितना आ गया आपके पास sec² x। इससे क्या चाहो तो आप ऐसा लिख देता हूँ, एल्गोरिथम टाइप का बना दिया, कंप्यूटर का एल्गोरिथम जैसा होता है, dy/dx की वैल्यू sec² x / 2y - 1, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ढेर सारे सवाल है, मैं एक दो सवाल और बना देता हूँ आपके लिए, आप करेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा, ये कंपेरेटिवली उनसे ईजी है, जो चार क्वेश्चंस मैंने आपको बताए उनसे ये कंपेरेटिवली ईजी है। कोई प्रॉब्लम हो कुछ भी हो आप ये नंबर पे व्हाट्सअप कर दिए, +91 96
8569805 6। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है और आप अपनी चीज़ को दूसरों तक अगर पहुंचा पाए तो यही सबसे बड़ी सच्ची सेवा है हमारी, कि हम बहुत कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम नॉलेज शेयर करें कि भाई ये नॉलेज है, आप इस सर का वीडियो देखो और इसको आगे तक भेजो ताकि उन तक पहुँचे जो इसके लिए कोशिश करते हैं कि भाई अच्छी चीज़ उन्हें मिले, मिल नहीं पाती है। इसमें आपको ये प्रूव करना है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल उसको देख देख के कर देना आप, ये वाला उसी के जैसा है, जैसा वो है वैसा ही है। एक और मैं दे देता हूँ, उसमें भी दो सवाल थे, इसमें भी दो क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप कर लें। इसमें स्क्वायर रूट है, अब ये क्यूब रूट वाला दे दिया, क्यूब रूट ई टू द पावर एक्स। तो क्यूब रूट में आप दोनों साइड का स्क्वायर, उसमें था स्क्वायर रूट तो स्क्वायर करना, क्यूब रूट में दोनों साइड का क्यूब कर देना तो ये हो जाएगा। प्रॉब्लम आए तो लिखने में संकोच नहीं करना, मैं आपका अपना ही हूँ, कोई दीगर मतलब कोई दूसरा नहीं हूँ। इसमें मेरे बच्चों आपको ये प्रूव करना है, बिल्कुल संकोच नहीं करना, आप मुझे लिखना जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, मैं जितनी आपकी मदद करूँगा कर सकता हूँ उतनी मैं आपकी मदद करूँगा। तो ये आपने देखा कि इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसानी से करेंगे और आपको बड़ा अच्छा लगेगा इसको करने के बाद। एक क्वेश्चन और मैं इसका इस तरह का लिख देता हूँ, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगला वीडियो आप देखिएगा, इनके वीडियो सारे देखिए, आपका डिफरेंशिएशन अच्छा होगा, हमारा देश अच्छा होगा। अगर ऐसा लिखा मेरे बच्चों y इज इक्वल टू x, x तो बहुत हो गए थे, एक रूट एक्स का ले लेते, रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी। और फाइंड क्या करना है, हमें बोलेंगे कि फाइंड करो आप dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको y इज इक्वल टू रूट एक्स, कहाँ से ये चालू हो रहा है, वापस से ये यहाँ से चालू हो रहा है, तो इसको ले लो आप वन अपॉन वाई। क्या ले लिया आपने, वन अपॉन वाई। अब डिफ्रेंशिएट कर दें और अगर कुछ लिखा हो कि प्रूव दैट तो फिर थोड़ा दिमाग लगाएंगे, वरना आप डिफ्रेंशिएट कर दें, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और रूट एक्स का हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स और वन बाय वाई का हो जाएगा माइनस वन बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ये वन अपॉन वालों का झमेला आप रहता होगा कभी कभी, तो ये वाला फार्मूला रट लो, डी डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स टू द पावर एन माइनस एन अपॉन एक्स टू द पावर एन प्लस वन, ये रट लो, ये रट लो, ये आपका बहुत मैंने वरदानी फार्मूला है, ब्रह्मास्त्र की तरह है बिल्कुल। जब भी वन अपॉन में आए तो कोशेंट रूल नहीं लगाना, दिमाग ज़्यादा खर्च करना नहीं, ये लगाओ। जैसे इसमें वाई की पावर कितनी देखो वन है ना, तो n की जगह कितना हो गया वन हो गया और यहाँ n प्लस वन है तो यहाँ पे टू हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन दिस। अब इसको इधर लाओगे और dy बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो ले लो dy बाई डी एक्स कॉमन, तो यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ वन बचेगा और ये बच गया आपका। अब तो आप मास्टर पीस हो, कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो भी मेरे बच्चे वीडियो देख रहे होते हैं उनका दिमाग पहले भी थोड़ा तेज होता है, क्योंकि इस लेवल पे आना और काम करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। ये डिफरेंशिएशन के अच्छे सवाल हैं जिन पे हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, ये कोई चालू क्वेश्चन नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू रूट एक्स और अपॉन में आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर ऊपर भेज दो आप, ये हो गया आपका टू रूट एक्स और ये वाई स्क्वायर प्लस वन, ये आपका आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अगर कुछ दिया हो कि पर्टिकुलरली ये प्रूव करना हो तो फिर बात अलग है। और चलो अब इतना कर दिया तो, और टाइम हो रहा है 14 मिनट 34 सेकेंड हो गए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको करने को भी दे देता हूँ, लेकिन अब इसमें ये नहीं बताऊँगा कि मैं लाना क्या है ना, क्योंकि हर चीज़ मुझे याद भी नहीं रहती है कि हर चीज़ में क्या लाना है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब
अप टू इन्फिनिटी और फाइंड क्या करिए, dy बाई dx करिए और आप मुझे बताइए कि dy बाई dx कितना आया। सर हमारा dy बाई dx इतना आया, चेक करिए क्या है सही क्या गलत है और मैं आपकी मदद करूँगा। मैं आपका साथी डॉक्टर त्रिपाठी, आपको मालूम है PhD इन मैथमेटिक्स, PhD इन मैथमेटिक्स, वाइस प्रेसिडेंट अवार्डी, ढेर सारे रिसर्च पेपर मेरे पब्लिश्ड हैं, आप गूगल करके देखेंगे यू विल फाइंड मी। विश यू ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, खुद बढ़ें, देश को बढ़ाएं और दुनिया को बढ़ाएं और आगे बढ़ें। इसी के साथ गुड लक।